भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी यांच्यासह मित्रपक्ष महायुतीचे मावळ लोकसभेचे अधिकृत उमेदवार खासदार श्रीरंग बारणे यांनी प्रचारात जोरदार आघाडी घेतली आहे. या प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी नवीन पनवेल परिसरात भव्य बाईक रॅली काढण्यात आली होती. या रॅलीची सांगता ही दक्षिण भारतीय समाज संमेलनात झाली. या संमेलनात महायुतीचे उमेदवार खासदार श्रीरंग बारणे यांना एकमताने पाठिंबा जाहीर करण्यात आला. दरम्यान श्रीरंग बारणे यांच्या प्रचारासाठी काढण्यात आलेल्या बाईक रॅलीमध्ये शेकडो तरुण महायुतीतील आपापल्या पक्षाचे झेंडे घेऊन सहभागी झाले होते. रॅलीमधील विजया रथावर खासदार बारणे यांच्यासह आमदार प्रशांत ठाकूर, भाजपचे क्लस्टर प्रमुख बाळासाहेब पाटील, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख रामदास शेवाळे, भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष अविनाश कोळी यांच्यासह महायुतीच्या घटक पक्षातील पदाधिकारी उपस्थित होते. चौकाचौकात फटाके वाजवून पुष्पवृष्टीमध्ये सुवासिनींकडून औक्षण करण्यात येत होते. मोदींचा मुखवटा परिधान केलेल्या युवकही रॅलीत सहभागी झाले होते. रॅलीमध्ये रिक्षा चालकांचा सहभाग हे उल्लेखनीय होता. रस्त्याच्या दुतर्फा जमा झालेल्या जनसमुदायाला बारणे यांनी अभिवादन करून मतदारांचे आशीर्वाद घेतले. या बाईक रॅलीची सांगता ही पनवेल महापालिकेच्या स्थायी समितीचे माजी सभापती संतोष शेट्टी यांनी आयोजित केलेल्या दक्षिण भारतीय समाज संमेलनात झाली. या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या दक्षिण भारतीयांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी श्रीरंग बारणे यांना एकमताने पाठिंबा जाहीर केला. या बाईक रॅलीला तसेच दक्षिण भारतीयांच्या संमेलनाला खासदार श्रीरंग बारणे, भाजपचे मावळ लोकसभा निवडणूक प्रमुख आमदार प्रशांत ठाकूर, क्लस्टर प्रमुख बाळासाहेब पाटील, भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष अविनाश कोळी, जिल्हा सरचिटणीस ॲडव्होकेट प्रकाश भिनेदार, चारुशीला घरत, माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, माजी नगरसेवक ॲडव्होकेट मनोज भुजबळ, संतोष शेट्टी, समीर ठाकूर, तेजस कांडपिळे, अक्षय सिंग, महिला मोर्चा पनवेल शहर अध्यक्ष राजश्री वावेकर, माजी नगरसेवक संतोष शेट्टी, भास्कर शेट्टी, युवा नेते हॅप्पी सिंग, युवा मोर्चा उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष मयुरेश नेतकर, अभिषेक भोपी, युवा मोर्चा पनवेल शहर अध्यक्ष सुमित झुंजारराव, नितेश पाटील, जयेश नांबीराय, योगेश कोठारी, सुजित कोठियाल, रवी पिल्ले, शंकर राव, श्वेता शेट्टी, आशा शेट्टी, यमुना प्रकाशन, गौरव नाईक, प्रवीण मोरबाळे, प्रशांत शेट्टे, स्वरूप मुंबईकर, मयूर आंग्रे, अक्षय सिंग, आकाश बैद यांच्यासह महायुतीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि दक्षिण भारतीय समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जिस प्रधानमंत्री जी का नाम दुनिया के ऊपर लहरा रहा है, उस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे 10 साल काम करने का मौका मिला. इस क्षेत्र के एमएलए प्रशांत जी ठाकुर के नेतृत्व में सभी नेतागण या मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण या लोकल लेवल पर काम करते, लेकिन राज्य की सरकार की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से कई सारी योजना लोगों के बीच लाने का काम मैं प्रशांत जी ठाकुर या कर रहा हूं. मुझे इस बात की भी खुशी है, जिस लोकसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, पनवेल या रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, और पूना डिस्ट्रिक्ट और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट मिलकर यह चुनाव क्षेत्र पूरा बनता है. 25 लाख वोटर इस क्षेत्र से है, और इस 25 लाख वोटर में से कई सारे वोटर ऐसे हैं ये भारत के अन्य राज्यों से यहाँ आए हुए हैं. उन लोगों का संरक्षण करना, उनको मदद करना, उनकी सहायता करना, ये हमारी जिम्मेदारी है. प्रशांत जी ठाकुर मैं मिलकर गए कई सालों से ये काम कर रहा हूँ, आगे चलकर भी करूँगा. महाराष्ट्र ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है. इस भूमि में जात धर्म पंथ किसी राज्य को नहीं देखा जाता है. भारत का हर नागरिक इस राज्य का प्रमुख केंद्र है. इसीलिए संतोष अन्ना शेट्टी सरी के एक कार्यकर्ता
जिन्होंने अपना स्थान इस पर निर्माण किया और पनवेल महापालिका के कारपोरेटर के रूप में यह कार्य करते हुए उन्हें स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होने का भी मान मिला है। देश के हर राज्य से आए हुए सभी नागरिकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ। इस राज्य की प्रगति सभी आए हुए लोगों की वजह से, कोई व्यापार करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई दुकानदार है, कोई होटल मालिक है, कोई उद्योग व्यवसाय भी करते हैं, कई सारे। और केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से आगे चलकर आपको भी सहायता देने का काम और प्रयास हम सब मिलकर करेंगे।